जनपद अमेठी की ये तहसील तिलोई है और तहसील तिलोई का ये है शौचालय। ये शौचालय है और भारत में स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने अरबों और खरबों रुपए खर्च किए और ये देखिए यहाँ शौचालय बहुत कीमत से बनाया गया है। इसमें टाइल्स लगी हैं, जाने का रास्ता नहीं है। दरवाज़ा तो है लेकिन यहाँ शायद किसी का आना जाना नहीं होता। और ये मल ये फर्श पे पड़ा है और ये शौचालय का हाल है। यहाँ पर टोटियाँ भी शायद लगी थी और वो तोड़ दी गई या कोई निकाल ले गया। अब यहाँ पर सहजारों की संख्या में फरियादी और वकील प्रतिदिन आते हैं लेकिन गंदगी का अंबार देखिए कि शौचालय तक जाने को रास्ता नहीं है। शौचालय गंदा पड़ा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बाहर ही लोगों ने मल मूत्र का त्याग किया है। यहाँ सफाई कर्मी नियुक्त हैं या नहीं नियुक्त हैं लेकिन ये देखें कि जूठी पत्तले इस तहसील प्रांगण में, पूरे तहसील प्रांगण में जूठी पत्तले और गिलास, ये चारों तरफ ये बदबू कर रहे हैं। ये पूरे तहसील प्रांगण में आप देख सकते हैं कि किस तरह गंदगी का अंबार है। और ये दशा है ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर SDM साहब की गाड़ी खड़ी है, सामने उनका ऑफिस है और यहाँ पर तहसीलदार का कार्यालय है लेकिन इस पूरे कार्यालय में ये गंदगी का अंबार ठीक कार्यालय के सामने। वह तब है जब भारत में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीम प्रोजेक्ट में है। और कैसे खिल्ली जनपद अमेठी की तहसील में इस स्वच्छ भारत अभियान की उड़ रही है। यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं जय किसान आंदोलन के और चारों तरफ ये गंदी पत्तलें और बदबू, यहाँ पर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के दृष्टि नहीं जा रही है। ये हाल है उप जिलाधिकारी कार्यालय तिलोई का।